हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके विजन पर। अपने भारत को 1947 में इंग्रेजुल से आजादी देखा और लगभग इस साल के आसपास से कई देश दूसरे देशों की हुकूमत से आजाद हुए और आज चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो हाल ही में आजाद हुए। जी हाँ, दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो अभी तक दूसरों की गुलामी कर रही थे, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इन्हें भी आजादी मिल चुकी है। तो आज हम आपको दुनिया के टॉप 5 निवेस्ट कंट्रीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन नए देशों की शानदार समंदर। दुनिया के नए देशों के बारे में जानने से पहले चलिए आपको बताते हैं कि किसी देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कैसी मिलती है, कैसे वो एक आजाद देश बनता है और आखिर कौन इन देशों को मान्यता देता है। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो, लेकिन इसे 30 अक्टूबर 1945 को ही एक देश के तौर पर मान्यता दे दी गई। दरअसल दुनिया भर में राष्ट्रों को मान्यता देने का काम अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का ही है। हाल ही के समय में दुनिया के 193 देश है जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। नंबर 1 इज साउथ सूडान। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के उस देश की जो हाल ही में एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। ये देश दुनिया का सबसे नया देश कहलाया और इससे खूबसूरत से देश का नाम है साउथ सूडान। साउथ सूडान ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। साउथ सूडान मूल रूप से सूडान का दक्षिणी भाग था जो 1956 में मिस्र और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित होने के बाद आजाद हो गया। आपको बता दें कि सूडान की आबादी के बीच काफी मतभेद थे। सूडान के नॉर्थ और साउथ वाले हिस्सों की आबादी के बीच का एक बड़ा अंतर था और साथ ही नॉर्थ में इस्लाम मानने वालों का वर्चस्व भी था, जिनमें से ज्यादातर लोग अरबी बोलती थे और अरब के रूप में पहचाने जाते थे। धर्म में यहाँ पर करीब 60% लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और लगभग 35% लोग पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के। साउथ सूडान तो 2011 में सूडान से आजादी मिली। सूडान से आजादी के लिए यहाँ पर 1955 से 75 और 1983 से 2005 के बीच और उससे ज्यादातर लोग यहाँ से पलायन भी कर गए। 2011 में हुए जनमत संग्रह में करीब 99% लोगों ने सूडान से अलग होने का फैसला किया और तब साउथ सूडान का निर्माण हुआ। वर्तमान समय की बात करें तो साउथ सूडान की आबादी करीब 1.15 करोड़ है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इससे सबसे नीचे से तीसरी जगह मिली थी। सुरक्षा के मामले में साउथ सूडान का अप्री एक्टिव है, क्योंकि ये देश अपने सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। दिक्कत की बात ये है कि सूडान में बाल विवाह की दर 52% है और यहाँ बच्चों को सेना में भर्ती किया जाता है। एक्स स्टेज मोंटीनेग्रो। चलिए अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के दूसरे सबसे नए देश से, जो बेह है खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एक गम अलग है। इस देश का नाम है मोंटीनेग्रो। ये देश साउथ ईस्ट यूरोप का देश है जिसका क्षेत्रफल करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है लगभग 6.26 लाख से ज्यादा। टूरिज्म सेक्टर बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि करीब 28 साल तक सर्बिया के अधीन रहने के बाद इस देश को स्वतंत्र राष्ट्र होने का दर्जा मिला और काफी हाथ पैर मानने के बाद साल 2006 में सर्बिया से अलग हुआ। असल में साल 1991 में यूगोस्लाविया के विलय के बाद सर्बिया और मोंटीनेग्रो ने मिलकर एक देश की स्थापना ही, तो 2006 में ये दोनों अलग हो गए। नाटो वर्ल्ड ट्रेड और यूरोप के कई व्यापारिक संगठनों का भी सदस्य है, साथ ही ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की दावा में भी लगा हुआ है। यो तो अब मोंटीनेग्रो एक आजाद देश है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको जातीय विविधता यानी जात पात को लेकर लोगों में मन मुटाव देखने को मिल जाएगा, जिनमें करीब 75% लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, तो 20% इस्लाम को मानने वाले भी हैं। मोंटीनेग्रो की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के अलावा सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। इसके अलावा खेती का 10% तक हिस्सा जीडीपी में शामिल है, बाकी व्यापार और टूरिज्म जैसे सेक्टर से कवर होती है, जिसका करीब 40% हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। पहाड़ों से घिसे इस देश में पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। आप भी चाहे तो इस देश की खूबसूरती का लत उठा संगे है। नेक्स्ट इज सर्बिया। अब जिस देश की बात होने वाले हैं उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया देश यूएन का वो सदस्य है जिससे यूएन में शामिल हुए ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। सर्बिया और मोंटीनेग्रो 1991 में यूगोस्लाविया से टूटकर अलग हुए।
साल 2003 में इन दोनों ने मिलकर स्टेट यूनियन ऑफ सर्बिया और मॉन्टिनेग्रो को स्टेब्लिश किया। लेकिन साल 2006 में सर्बिया और मॉन्टिनेग्रो आखिरकार एक दूसरे से अलग हो गए। 2006 में एक जनमत संग्रह के बाद मॉन्टिनेग्रो के 55% लोगों ने सर्बिया से अलग होने का फैसला किए। सर्बिया देश के इतिहास थोड़ा अलग रहा है। इस देश का क्षेत्रफल करीब 88,000 वर्ग किलोमीटर और इसका 30% हिस्सा जंगलों से ढका है, जिस वजह से ये देश ताजी हवा के मामले में सबसे वेस्ट है। यहाँ की आबादी 85 लेक्स के आसपास है और यहाँ के अर्ध निविस्था फिलहाल ठीक ठाक ही है। सर्बिया सेंट्रल यूरोप और साउथ ईस्ट यूरोप के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी की दर करीब 12% है। इसके अलावा सर्बिया में हर साल लगभग 30 करोड़ लीटर वाइन बनती है। सर्बिया की काम में नौकरी करने वाले लोगों पर आधारित है, जो जीडीपी में करीब 60% तक अपना योगदान देते हैं। बाकी इंडस्ट्री का जीडीपी में करीब 26% का योगदान है। ये प्राकृतिक ईंधन और ऊर्जा का बड़ा एक्सपोर्टर है। सर्बिया यूरोप के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा और तूफान का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसलिए यहां के लोग इन घटनाओं से उलझने के लिए हर वक्त लगभग ताए ही रहते हैं। आज ये देश प्राकृतिक तौर पर भी काफी संपन्न देश है। हालांकि प्रदूषण जैसे समस्याओं ने भी इसे घेर रखा है। आपको पता दे कि सर्बिया में 1990 के बाद से मृत्यु दर हमेशा जनर से ज्यादा रही है, और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे बुढ़े देशों में से एक है, जिसकी आबादी की औसत उम्र करीब 43 साल है। टेक्स्ट इस तिमोर। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथी नंबर पर आता है 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक क्षेत्रफल में पहला इस तिमोर। ये देश बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी आबादी आज के समय में करीब 1,385,000 लोगों की है। ये देश किसी समय में पुर्तगाल और इंडोनेशिया देश का गुलामी कर जाता है। यही वजह है कि आपको यहाँ के लोगों में पुर्तगाल की सभ्यता का असर साफ साफ देखने को मिलता है। इस तिमोर को 16 शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित किया गया और 28 नवंबर 1975 तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। काफी लंबे समय तक दूसरे देशों की गुलामी करने के बाद इस तिमोर ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई और अपनी देश को आजाद करवाने के लिए जीप तोड़ मेहनत की, और आखिरकार इस देश की मेहनत रंग लाई की। और 20 मई 2002 का वो साल तो जब इस तिमोर को आजादी मिली और ये देश भी बाकी देशों के तरह अपनी मर्जी का मालिक हो गया। भले ही ये देश आज आजाद देश है, लेकिन विकास का पहाड़ ये अभी भी नहीं चढ़ पाया। यहाँ गरीबों की संख्या भी काफी है, फिर भी मॉडर्न लाइफ का असर भी साफ देखा जाता है। भले इस देश के पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस देश के साथ बिल्कुल कंजूसी नहीं की। एक देश पलाव। दुनिया के सबसे नए देशों के लिस्ट में पांचवें नंबर पर आता है नाम पलाव देश का। ये देश देखने में बेहद ही खूबसूरत है। पलाव वेस्टर्न प्रशांत महासागर में लार्ज माइक्रोनेशिया द्वीप का स्थान है। देश का क्षेत्रफल 469 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का ज्यादातर लोग रोमांट प्रेटली थे। यो तो इस देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन फिर भी आज पलाव में अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है। पलाव पैसिफिक आइलैंड के सबसे अमीर देशों में जैक है और इसका मुख्य आय का स्रोत है टूरिज्म। बेहद ही खूबसूरत होने की वजह से इस देश में घूमने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। इस देश की अनोखी बात यह है कि इसके समाज और राजनीति में महिलाओं का काफी महत्व है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों से बिल्कुल कम नहीं समझा जाता और उन्हें बराबर का हक दिया जाता है। तो पलाव ने माइक्रोनेशिया का हिस्सा बने रहने से इनकार कर दिया और इस तरह पलाव अपने संस्कृति और भाषा के साथ एक स्वतंत्र देश बना, जो कि आज भी काफी अच्छे ही नजर आते हैं। पलाव ऑफिशियल तौर पर अपने 80% जेल संसाधनों को स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस रफ्तार के चलते 2 साल से भी कम समय में पलाव के इकॉनमी में बड़ा उछल आया है। दोस्तों, पलाव का नाम भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसका अपना खुद का सेना नहीं है, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत अमेरिकी सेना पलाव को सुरक्षा देती है और बदले में अमेरिका की नेवी को यहाँ 50 साल पर रहने का हांड में है। आपको बतावे कि इस देश में समुद्री तूफान, भूकंप और ज्वालामुखियों का खतरा भी बना रहता है, लेकिन इन सब के बाद भी आज पलाव एक विकसित देश है जो खुशहाल होने के साथ साथ काफी खूबसूरत है। तो ये थे दुनिया के 5 ऐसे देश जो सबसे नए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इन 5 देशों का? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।